मध्य प्रदेश की सियासत में कौन सा नेता किसको क्या कह दे, कब कह दे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। खास तौर पर अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले प्रीतम लोधी एक बार फिर चर्चा में आ गए। इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की तुलना मगरमच्छों, अजगर और हिप्पो तक से कर ली है। पिचोर से विधायक प्रीतम लोधी पूर्व विधायक केपी सिंह को अजगर कह रहे हैं, तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को मगरमच्छ बता रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को तो उनने हिप्पो बता दिया है। इसके साथ ही प्रीतम लोधी ने बताया कि चुनाव के पहले कांग्रेस की तरफ से उन्हें क्या ऑफर दिया गया था। दरअसल ग्वालियर में इन दिनों राजमाता माधवीराजे सिंधिया को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। कांग्रेस हो या बीजेपी, हर राजनीतिक दल के नेता राजमाता को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में प्रीतम लोधी भी जयविलास पैलेस पहुंचे थे। इस दौरान उनका बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। प्रीतम लोधी ने बताया कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें हेलीकॉप्टर और स्टार प्रचारक बनाने का ऑफर आया, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। लोधी कहते हैं कि अपना स्टार प्रचारक का पद अपने पास रख लो, हम बीजेपी में कार्यकर्ता बनकर काम करने में ही ठीक है। प्रीतम लोधी का आरोप है, लंबे समय तक पिचोर विधानसभा पर विधायक रहे केपी सिंह ने किसानों का हक छीनकर नहर बनाने सहित अन्य कामों में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। आपको बता दें कि प्रीतम लोधी ने केपी सिंह के नई गाड़ी खरीदने को लेकर भी तंज कसा है। आपको बता दें प्रीतम लोधी अक्सर अपने बयानों के कारण विवाद में पड़े जाते हैं। पिछली बार उन्हें बयान के कारण ही बीजेपी से बाहर होना पड़ा था। फिलहाल प्रीतम लोधी की माने तो 28 तारीख को पूर्व विधायक के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। फिलहाल प्रीतम लोधी के इस बयान की चर्चा चारों ओर हो रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अब तक इस बयान पर कोई पलटवार सामने नहीं आया। लगातार विवादित बयानों के लिए प्रीतम लोधी चर्चाओं में रहते ही हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, तो उनके लिए तो ये नॉर्मल डे एट वर्क है। लेकिन क्या आपके हिसाब से ऐसे विपक्षी नेताओं की जानवरों से तुलना करना क्या सही है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।